प्रेम के आधार पर जीवन का निर्माण होता है। आप किसी भी मत पंथ और संप्रदाय को मानते हो, जीवन में प्रेम बहुत आवश्यकता है। बिना प्रेम के आपका घर नहीं चल सकता, बिना प्रेम के आपका परिवार नहीं चल सकता, बिना प्रेम के आपका समाज नहीं चल सकता, बिना प्रेम का आपका गांव नहीं चल सकता और बिना प्रेम के आपके राष्ट्र देश और राष्ट्र नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रेम की बहुत जरूरत है। जैसे खेतों में पानी की सिंचाई कमी होने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं और खेत बंजर पड़ जाते हैं, ठीक ऐसे ही परिवार में प्रेम के अभाव होने से परिवार भी बंजर पड़ जाता है, बंजर पड़ जाता है। जिस परिवार भी प्रेम भी कैसे सूखता है, मैंने प्रेम को सूखते देखा है, प्रेम को सींचते देखा है। और जो प्रेम को सींचते हैं उनका परिवार हरा भरा होता है, और जो प्रेम को नहीं सींचते हैं उनका परिवार भी बंजर हो जाता है। जब शादियां होती है तो शादी होने के बाद पति और पत्नी में लंबी लंबी चर्चाएं होती है। वही शादी होने के 4 साल 6 साल बाद में वो चर्चाएं कम होना शुरू होती है। 8-10 साल बाद तो इतनी कम हो जाती है, एक वाक्य का एक ही उत्तर, हंसी मुस्कुराना बंद, आपस में चर्चाएं बंद, पति पत्नी में वार्ता बंद, प्रेम सूख रहा है, प्रेम सूख रहा है। आपस में भाई और भाई में वार्ताएं नहीं होती है, प्रेम सूख रहा है। पति और पत्नी में वार्ता नहीं है, प्रेम सूख रहा है। पिता और पुत्र में वार्ता नहीं है, प्रेम सूख रहा है। देरान और जेठान में वार्ता नहीं है, प्रेम सूख रहा है। आप किस भगवान को मानते हैं, आप किस रस्ता, लेकिन कहीं पर भी प्रेम की कमी होगी तो कोई भगवान माफ नहीं करेंगे, कोई भगवान माफ नहीं करेंगे। प्रेम को आपको सींचना होगा। कभी कभी आपकी गलतियां नहीं है, आपकी सासू माँ आपको डांट देती है, तब भी आपको जाकर के प्रेम से बात करना होगा। आपकी गलतियां नहीं है पर भी उनका अधिकार है। उन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई को अपनी शक्ति लगाया, एक एक रुपया इकट्ठा किया और आपके आते ही आपको सौंप देती है, घर की मुखिया बना देती है। क्या कभी दो बातें नहीं बोल सकती आपसे? क्या इतना अधिकार नहीं है आपकी माँ को, आपकी सासू माँ को दो बातें आपको बोले और आप छोटी सी बातों में गाल फुला दिए, घर को बंजर बना दिए, घर सूख गया, घर का आपस का प्रेम सूख गया, तो फिर माहौल आनंद ही कहाँ आएगा जीने में? क्या उस घर के बच्चे संस्कारी हो पाएंगे? जिस घर में पति और पत्नी में लड़ाइयाँ होती है, जिस घर में सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है, जिस घर में देरान और जेठान में लड़ाइयाँ होती है, यही सतगुरु कबीर का एक प्रेम। प्रेम पर सतगुरु कबीर साहब बहुत बोले हैं, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए, प्रेम और अहंकार हो ही नहीं सकता है। आप आपस में प्रेम से जीना चाहते हैं तो अहंकार को मारना होगा। आप बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो प्रेम से उसका विकास करना होगा।